नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने दी सभी को शुभकामनाएं। नकवी ने कहा, योग दुनिया के लोगों को सेहत का मेड इन इंडिया गिफ्ट है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के बीएल संतोष पहुंचे लखनऊ, भाजपा मुख्यालय में चुनाव की रणनीति पर करेंगे मंथन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली के महाराजा अग्रसेन पार्क में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया योग। योग से सहयोग तक के मंत्र से पूरा होगा वन वर्ल्ड वन हेल्थ का मिशन, मेडिकल साइंस ने भी अपनाया योगा। उत्तर प्रदेश में आज से लॉकडाउन में बदलाव, 5 दिन रात 9 बजे तक खुलेंगे दुकानें, रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। तो चलिए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का, जहां उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा की सरगर्मियां इस वक्त बढ़ चुकी हैं, जिसके तहत बीजेपी मिशन 2022 की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि वो इस दौरान संगठन और सरकार को साथ लाकर 2022 के चुनाव की रूपरेखा तैयार करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष का 20 दिन में यूपी में ये दूसरा दौरा है। पिछले दौरे में 31 मई से 1 जून तक लखनऊ में रहकर उन्होंने पार्टी के क्षेत्रीय सदस्यों, अध्यक्षों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। इतना ही नहीं, बीएल संतोष ने योगी सरकार के मंत्रियों और पार्टी विधायकों के साथ बैठकर प्रदेश के सियासी माहौल का फीडबैक लिया था। साथ ही उन्होंने पार्टी को सेवा ही संगठन के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी थी। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शमशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शमशाद, जिस प्रकार से आज 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं बीएल संतोष, ऐसे में उनका दौरा किस रूप में देखा जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक 2022 के चुनाव को लेकर रणनीति बन रही है। बीएल संतोष लखनऊ आ चुके हैं, राधा मोहन आ चुके हैं, सतन देव सिंह यहाँ पर मौजूद है, सीएम कुछ ही देर पहले सिविल हॉस्पिटल गए थे वैक्सीनेशन का जायजा लेने, सारे नेतागण वहां भी मौजूद थे। तो जिस तरीके से लगातार बैठक चल रही है, 3 दिवसीय बैठक है, कई रणनीति कई और भी जिस तरीके से देखे जा रहे हैं 2022 के चुनाव को लेकर, तो लगातार मंत्रिमंडल है, लगातार बड़े नेता है, लगातार जो पदाधिकारी हैं वो सभी लोग बैठकों का दौर जारी कर रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं। फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से 2022 को लेकर क्या रणनीति बनी, क्या नाम सामने आएगा, तो कहीं ना कहीं नाम की तो अभी संभावना नहीं नजर आ रही है, लेकिन किस तरीके से चुनाव लड़ना है, क्योंकि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अभी तक कहीं ना कहीं 2022 को लेकर ढीला नजर आ रहा है और बीजेपी ने अपनी रणनीति शुरू कर दिया है, अपनी बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक बैठक जारी है। जी, आज जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि आज बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, ऐसे में आज की बैठकों में क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बैठक चल रही है, कई निर्णय का फैसला आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। फिलहाल कोई भी कुछ अभी बोलने को राजी नहीं, अगर बात करें कि कोई कुछ बोल देगा तो अभी कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा, नेतागण सभी यहां पर मौजूद है, सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। और अगर बात करें तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूर मंथन किया जा रहा है, विधान परिषद के 4 सदस्यों को जो भेजने पर चर्चा चल रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पर चर्चा करेंगे कुछ ही देर बाद, वो उत्तर प्रदेश के जो भाजपा कार्यालय है यहाँ पर वो आएंगे, डिप्टी सीएम आएंगे, सभी पदाधिकारी बैठकर इन सब चीजों का निर्णय लेंगे। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी के इस वक्त लखनऊ पहुंचे हुए हैं। आज आपको बता दें बीएल संतोष 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं, जिसके बाद अब बैठकों का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। चलिए तो अब रुख करते हैं हमारी अगली खबर का, जहां दुनिया भर में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन ने लखनऊ के राजभवन में योग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग दुनिया को भारत की ओर से दिया गया एक अमूल्य उपहार है।
औरैया से टोल प्लाजा अनंतराम परिसर स्थित योगा ग्राउंड में विश्व योगा दिवस पर योगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीजीएम सत्यवीर यादव और योग प्रशिक्षक अभिषेक भदौरिया ने टोल कर्मचारियों सहित आए हुए अन्य लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में योग कराया। इस अवसर पर योग के लाभ भी उन्होंने बताए। औरैया नेशनल हाईवे के अनंतराम टोल प्लाजा पर योग में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच इस बार कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा है। वहीं लखनऊ के लोहिया पार्क में लोगों द्वारा योगा करते देखा गया। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने वहां पर मौजूद लोगों से योग के बारे में जानकारी ली। ऋषि मुनियों की दी हुई ये पद्धति है योग, और इस योग को भारत ने ही आज पूरे विश्व में फैलाया है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा फख्र का वक्त है कि पूरा दुनिया इस योग को आज मान रही है और इसको एक विश्व पटल पर इसको मनाया जा रहा है एक त्यौहार की तरीके से। और इस योग ने लोगों को स्वास्थ्य दिया है जो कभी किसी और चीज़ से लिया ही नहीं जा सकता। योग ना होता तो भोग ना होता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो प्रतिष्ठा प्रदान करी है इसको और बाबा रामदेव ने, उसके लिए हम सभी उन सबके आभारी हैं। और योग ने ही कोरोना से शहर के विभिन्न स्थानों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए योग के कार्यक्रम हुए। रायबरेली में स्थित रामाकृष्णा पब्लिक स्कूल में शहर के लोगों ने पहुंचकर योग किया। लोगों ने कहा, डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर नियमित योग किया जाए तो बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। पुराने समय में लोग योग के द्वारा ही बीमारियों पर नियंत्रण रखते थे और निरोगी रहते हुए स्वस्थ जीवन जीते थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी सभी को शुभकामनाएं दी। योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री नकवी बोले कि योग दुनिया के लोगों के लिए सेहत का मेड इन इंडिया गिफ्ट है। इस नायाब गिफ्ट ने दुनिया की सेहत और सलामती को मजबूती दी है। कोरोना काल में जहां मेडिसिन ने काम किया तो वही मेडिटेशन ने भी काम किया है। नकवी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे भारत के सैकड़ों साल पुराने इस गिफ्ट हैम्पर को पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मेड इन इंडिया गिफ्ट पूरी दुनिया की सेहतमंद जिंदगी को जमानत बनेगा, आपको बता दें, और ये गारंटी बनेगा। योग दुनिया के लोगों की सेहत का एक मेड इन इंडिया नायाब गिफ्ट है, और इस नायाब गिफ्ट ने दुनिया की सेहत को, दुनिया की सलामती को बहुत मजबूती दी है। और इस कोरोना काल में तो जहां एक तरफ मेडिसिन ने काम किया, वहीं दूसरी तरफ मेडिटेशन ने भी काम किया है। आज जो है वो पूरा दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि हमारे भारत की सैकड़ों साल पुरानी इस एक तरह से गिफ्ट हैम्पर को पूरी दुनिया को, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में महत्व। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज पुलिस लाइन आजमगढ़ में योग दिवस का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस अधिकारियों के साथ साथ पुलिस के जवानों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। जवानों और अधिकारियों को योग के गुण सिखाए गए, साथ ही योग से निरोग रहने की भी बात बताई गई, और योग कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। जगह जगह लोग योगा कर रहे हैं। वहीं ताज नगरी आगरा में भी पंचवटी कॉलोनी में भी लोगों ने योगा दिवस के अवसर पर योग किया। पंचवटी में बड़े, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोगों ने मिलकर योगा किया। साथ ही समाज से सभी ने अपील की कि सभी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए योगा करना चाहिए। योगा करने से मन शांत रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। आज हमें योगा करके बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। और योगा इस समय पैंडमिक पीरियड में हम लोगों को एक ऊर्जा देता है, जिससे कि हमारी लाइफ बहुत नेगेटिव वे में जो जा रही है उससे निकलने के लिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम सबको मिलकर एक दिन में एटलीस्ट एक टाइम तो योगा करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी भी रिलैक्स रहे और हम भी अच्छा फील करें। हमें काफ़ी सारी जो बीमारियाँ हैं योगा के द्वारा हम उसको दूर करें। ये सारे रोगों की एक ही दवा है, औषध।
वो है योग। और यहाँ पंचवटी परिवार पिछले जब से कॉलोनी बनी है तब से योग करता है, और यहाँ योगा केंद्र भी है। और ये कोरोना काल के देखते हुए हम लोग बंद में नहीं कर सकते योगा, तो निश्चित ही रूप में सोशल डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ 4 पार्क हैं, सोशल डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे हम लोग आपने देखा योगा करते हैं, और चारों पार्कों में इस तरीके से रोज डेली योगा होता है, क्योंकि ये महामारी ऐसी है इसमें सबको अपना अपना। उत्तर प्रदेश में योगी राज में कानून व्यवस्था की दुहाई दी जाती है, लेकिन शाहजहांपुर का निगोही थाना इन सबसे परे है, जहां क्षेत्रीय भाजपा विधायक रोशन लाल वर्मा के उत्पीड़न से परेशान होकर एक पीड़ित परिवार ने थाने में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की। पिता और बेटे दोनों जमीनी विवाद को लेकर न्याय न मिलने से परेशान थे। न्याय न मिलता देख उन्होंने थाने में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का प्रयास किया। पुलिस ने किसी तरह से उन्हें रोका जरूर, लेकिन भाजपा विधायक पर सत्ता पक्ष का दबाव दिखाकर इन लोगों को उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने का दावा ठोक रही है। निगोही थाने में पिता और पुत्र के बीच में एक विवाद का मामला आया था, जिसमें पिता और पुत्र के बीच में जमीन के बंटवारे का मामला है, जिसका मामला न्यायालय में चल रहा है, एसडीएम कोर्ट में और दीवानी कोर्ट में, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। इसमें पिता का कहना है कि बेटा उनका जबरदस्ती उनकी ज़मीन पर समरसेबल लगवा रहा, बोरिंग करा रहा है। उनके बेटे का कहना है कि उसे अपने ताऊ की ज़मीन पर करा रहा। इनके बीच में एक्चुअल बिना नाप हुए स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। राजस्व विभाग के लोगों को भी बुलाया गया था, एसडीएम तिलहर से वार्ता की गई है, परसों का समय दिया गया है। राजस्व विभाग के अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर इसकी जाँच कराएंगे और जो भी सही होगा। अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र में गंगा दशहरा पर नहाने गए एक युवक की नहर में डूब जाने से मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के शव का पता ही नहीं चल सका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नहर में युवक के शव को बाहर निकाला। वहीं क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 3 बच्चे दशहरे को लेकर नहर में नहाने आए थे, जिसके बाद यह हादसा हुआ। आज सुबह जो है गंगा दशहरा की वजह से ग्राम बड़ा गांव थाना लोधा से 3 लड़के तनुज, छोटू और शेखर स्नान करने के लिए आए थे, जिसमें तनुज जो है गहराई में चला गया और डूब गया है। उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, स्थानीय स्तर पर जो है लोग प्रयास कर रहे हैं और पीएसी से गोताखोर बुलाए गए हैं, जल्दी ही प्रयास करके जो है डेडबॉडी। हाँ, आज एक सूचना मिली थी कि बनखंडी जगह पड़ती है, वहाँ पे एक नहर है, तो उसमें लड़के की डूबने की सूचना मिली, जिसपे सीओ साहब और मैं और क्षेत्रीय पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची। उसके बाद वहाँ पे जो है उसको खोजने का प्रयास किया, गोताखोरों को फ़ोन किया गया, तो आज दशहरा का वो था, तो वहाँ से साकरा घाट से गोताखोर पीएसी की एक टीम भी आई, और दूसरा जो नहर का पानी था उसके लिए भी कह दिया गया। अलीगढ़ में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में महारत हासिल कर चुके अलीगढ़ कप्तान के द्वारा अलीगढ़ पुलिस में तमाम बदलाव किए गए, चाहे वो बदलाव अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी को लेकर चलाए गए हों, या फिर पुलिस के द्वारा किसी गलत मामले में संलिप्त पाए जाने पर बर्खास्त करने को लेकर हो। वहीं अलीगढ़ पुलिस के दरोगा के द्वारा जब एक युवक की जान बचाई गई, तो अलीगढ़ कप्तान के द्वारा भी दिल खोल कर दरोगा को 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। बता दें कि थाना दादो के नहरों के बीच पुल पर ड्यूटी पर तैनात दरोगा को सूचना मिली कि अचानक गंग नहर में बच्चा गिर गया। पब्लिक चिल्लाने लगी, लेकिन मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। तब ड्यूटी पर नियुक्त आशीष कुमार दरोगा के द्वारा उसे बचाने के लिए बिना देरी किए वो गंग नहर में कूद गए। डूबने वाले को गंग नहर से बाहर निकाला गया, जिसे सकुशल अब घर पहुंचा दिया गया है। बीएल संतोष, राधा मोहन, स्वतंत्र देव सिंह, श्यामा मुखर्जी हॉस्पिटल के लिए बीजेपी कार्यालय से निकले। कुछ देर में सिविल हॉस्पिटल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैक्सीनेशन का जायजा करने भी पहुंच रहे हैं। आज से पूरे देश में टीका महाअभियान प्रारंभ हुआ है। आज मैं किसी टीका केंद्र पर, और इसी के साथ फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।